and welcome to City Spidey. We are at Lalit Kala Academy's Gadi Artist Village. There is Dokra art all around us and artists from so many districts of India. Let's get to know the journey. मेरा नाम इरफुल बेसरा है। और सर आप थोड़ा प्रोसेस बताएंगे, आप क्या कर रहे हैं? ये अभी मैं सेकंड मतलब क्ले है, सेकंड कोटिंग लगा रहा हूँ। ये फर्स्ट कोटिंग है और ये जो बना रहे हैं अभी, मतलब ये चैनल है जिससे ब्रास को हम इसमें पोर करेंगे, क्योंकि क्या होता है वैक्स पूरा जलने के बाद बाहर निकल जाता है। और ये जो फर्स्ट लेयर है इसी में जितना डिटेल वर्क हम करे रहते हैं इसी मिट्टी में ही छप जाता है और इसमें एक बार में एक ही पीस निकलता है। इसके बाद ये सेकेंड कोटिंग ये है और जो तीसरा कोटिंग होता है, जो लाल कलर का दीमक का मिट्टी होता है उसमें धान का छिलका मिला के गूँथ के वो लगाते हैं। और ये जो आप रनर देख रहे हो इसमें चैनल होता है, इसमें होल रहता है, दो होल रखेंगे ताकि वो अच्छा से नीचे बैठ जाए। और उसके बाद इसको पकाते हैं, पकाने के बाद फिर एक साइड ब्रास को मेल्ट करके दोनों का टेम्परेचर समान होता है, फिर इसमें पोर कर देते हैं और 3 से 4 घंटा के बाद फिर इसको फोड़ते हैं। तोड़ने के बाद फिर वो ब्रास का बन जाता है। वी आर विद डॉक्टर गायत्री माथुर, मैम इज द इंचार्ज ऑफ द गड़ी रीजनल सेंटर। मैम, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द वर्कशॉप एंड टेल अस समथिंग अबाउट इट? We've been doing multiple workshops and this is one of its kind. We have 15 tribal Dogra casting artists which have come from the village areas, and we have 15 contemporary artists who are working together, and the whole camp is to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. And Dogra casting is a traditional technique which has been followed for generations and generations in India. So it is one of its kind works that are being created in this camp, and finally they will final items will be as mementos which can be gifted to senior dignitaries or maybe some foreign guests which come to India. So that is the basic idea behind it, and the theme that these artists have got are the 5 pillars of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Right. And this complete event is being organized under the Ministry of Culture and under the guidance of our chairman Shri Uma Nanduri ma'am. It's her vision and her guidance that we are doing this camp. And today is also the Tribal Divas. Yes, of course, it is the Tribal Divas, so it makes it even double more celebratory to have these 15 tribal artists in Delhi. And the workshop is also open for visitors, so you can come, you can interact with them, you can see how the work is being produced, and you can also make your own small little items, right, for yourself. सर आपका नाम? बन्नूराम बैद, डिस्ट्रिक्ट बस्तर, छत्तीसगढ़। अभी आप क्या कर रहे हैं सर? अभी इसको सहना ही बोलते हैं, ये बचता है। बस्तर में जितना भी देवी देवता मेला होता है बस्तर में, तो इसी का उपयोग होता है। जो भी त्यौहार होगा ना, इसके बगैर नहीं होता। इसको बजाते हैं और घुमाते हैं देवी देवता को, तो वही वाला काम कर रहा हूँ इसको। त्रिवेणी वैद है मेरे नाम, मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, बस्तर। अभी वो डोकरा कास्टिंग करेंगे यहाँ से। अभी आप क्या कर रही हैं मैम? अभी मोम लगा रहे हैं, ये हंडी होगा, हंडी इसमें वो क्या नाम दीपावली का, दीपावली में नहीं जलाते जोत, हंडी कलसा बोलते वही बन रही है ये। इसको एक एक करके लपटे हैं, इसको अभी चिकना करेंगे, उसके ऊपर में फिर सब फिनिशिंग डालेंगे, डिजाइन होगा, उसके बाद में फिर मिट्टी लगाएंगे, और मिट्टी लगा 2-3 बार मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद में कास्टिंग करेंगे। We are with Sunita Lamba. Ma'am is a professional sculptor at Gari Regional Center. Ma'am, what was your experience of the Dokra workshop? This is a wonderful experience. Under one roof of Lalit Kala Gari Studios, यहाँ पे जैसे contemporary artists और tribal artists का जो एक mixture है, जिनमें दोनों ने participate किया है,
और हमें बिना बस्तर जाए हुए इसी गढ़ी स्टूडियो में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हाउ दे आर वर्किंग ऑन दी बस्तर दिस डोगरा कास्टिंग, जो इसका प्रोसेस है, क्ले है, कॉयल वैक्सिंग है, तो प्रोसेस को हम लोग सीख रहे हैं। और ये जो मिक्सचर है ट्राइबल और कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का, मॉडर्न का, तो दैट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विच आई थिंक ऑल गढ़ी आर्टिस्ट आर टेकिंग हियर।